भाईजान सलमान खान ने दी है ये सलाह कियारा आडवाणी को। चलिए जानते हैं कि भाईजान ने उनसे क्या कहा, पर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। नमस्ते दोस्तों, मैं हुशल कचवान और आप सभी का स्वागत करती हूँ मूवीज अड्डा में। दोस्तों आपको बता दूं कि भाईजान सलमान खान जाने जाते हैं अपकमिंग एक्टर्स को सलाह देने के लिए और उसी के साथ साथ उनको एनकरेज करने के लिए भी। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हाल ही में हुए इंटरव्यू में कियारा आडवाणी ने ये बात कही है कि भाईजान सलमान खान ने उनको एक बहुत ही बेहतरीन सी सलाह दी है और उन्होंने कहा कि सलमान सर ने मुझसे ये कहा है कि आप सिर्फ मेहनत करते रहो, अपनी लगन से मेहनत करो और आपकी जो मेहनत है वही आपके काम से दिखेगी, आपको कोई भी बात करने की ज़रूरत नहीं है। और उन्होंने कहा कि इस सलाह को मैंने गांठ बांध लिया है और सिर्फ अपनी मेहनत पर फोकस करती हूँ। तो इस तरीके से सलमान खान ने उनको ये सलाह दी है कि आप काम करते रहिए, मेहनत करते रहिए, मेहनत का फल आपको ज़रूर मिलेगा। दोस्तों इसी के साथ साथ ये भी बता दूँ आपको कि उनका असली नाम है, यानी कियारा का असली नाम है आलिया, और ये भी सलाह दी थी सलमान खान ने उनको कि आलिया तो ऑलरेडी है बॉलीवुड में, इसलिए आप अपना नाम भी चेंज कर लीजिए। और देखिए इस सलाह का कितना उपयोग हुआ है कियारा आडवाणी को। आपको क्या कहना है कियारा आडवाणी के बारे में और इस सलाह के बारे में जो भाईजान ने उनको दी है, बताइए इन द कमेंट्स बिलो। वी आर वेटिंग टू हियर यू। मैं हुशल कचवान और आप देख रहे हैं मूवीज अड्डा। दोस्तों कटरीना कैफ ने शेयर किया है टाइगर 3 से अपना फर्स्ट लुक। चलिए बताते हैं आपको खबर डिटेल में, पर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। नमस्ते दोस्तों, मैं हुशल कचवान और आप देख रहे हैं मूवीज अड्डा। दोस्तों आपको बता दूं कि टाइगर 3 के लिए हम सभी एक्साइटेड हैं, पर उससे भी कई ज़्यादा एक्साइटेड है टाइगर 3 की लीड एक्ट्रेस कटरीना कैफ जी। दोस्तों कटरीना कैफ ने अपने सारे फैंस को ट्रीट देते हुए एक फ़ोटो शेयर की है और उनकी न्यू हेयर स्टाइल दिखाई है जो वो स्पॉट करने वाली है फिल्म टाइगर 3 में। दोस्तों आपको बता दूं कि ये जो हेयर स्टाइल है वो बड़ी ही फंकी सा लुक है कटरीना कैफ का, जहाँ पर शोल्डर लेंथ उनके बाल है और बालों को बहुत ही मैसी तरीके से यानी सॉफ्ट कर्ल्स में किया हुआ है। दोस्तों आपको बता दूं कि कटरीना कैफ का शायद ही फर्स्ट ही टाइम है कि उनका ऐसा लुक सामने आ रहा है। उन्होंने ब्लू कलर का टैंक टॉप पहना हुआ है और नीचे हॉट पैंट्स पहने हैं। बहुत ही प्यारी लग रही है कटरीना कैफ। डेफिनेटली एक वॉरियर वाला, एक स्पाई वाला जो अंदाज है वो उनके लुक में से दिख रहा है। उन्होंने ये कंफर्म किया है अपनी एक इमोजी के माध्यम से, जहाँ पर उन्होंने कैप्शन किया है इस फोटो को कि न्यू डे न्यू हेयर कट न्यू फिल्म जी। दोस्तों तो डेफिनेटली न्यू फिल्म के आगे टाइगर की इमोजी बनाई है, तो टाइगर 3 का ये लुक हो गया है आउट। आपको अगर कटरीना का लुक कैसा लगा है और कितना पसंद आया है बताइए इन द कमेंट्स बिलो। आप भी इमोजी शेयर कर सकते हैं कमेंट्स में। वी आर वेटिंग टू हियर यू। दिस इज शुल्का चौहान साइनिंग ऑफ। इसबेल कैफ ने दिया है ये बड़ा स्टेटमेंट भाईजान सलमान खान के बारे में। चलिए बताते हैं आपको खबर डिटेल में, पर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्ते दोस्तों, मैं हुशल कचवान और आप सभी का स्वागत करती हूँ मूवीज अड्डा में। दोस्तों आपको बता दूं कि इसबेल कैफ का ये मानना है कि उन्हें फिल्म सिर्फ और सिर्फ इसलिए मिली है क्योंकि उन्होंने उन सारी फिल्म्स के लिए ऑडिशन दी है जी। दोस्तों उन्होंने ये कहा है कि सलमान खान को जानना ये एक बात होती है, पर सलमान खान की वजह से मुझे कोई भी रोल्स नहीं मिले हैं। मैं काफी वक्त से ऑडिशंस दे रही थी और टाइम टू डांस भी मुझे तभी मिला जब प्रोड्यूसर्स को मेरा ऑडिशन जो है वो पसंद आया था। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसबेल कैफ कटरीना कैफ की छोटी बहन जरूर है, पर उन्होंने कभी भी कटरीना कैफ की कोई भी कॉन्टैक्ट्स को यूटिलाइज नहीं किया है, ये उनका मानना है। उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि कटरीना कैफ के बारे में बात करते हुए इसबेल ने ये बात जरूर कही कि कटरीना कैफ उनको हमेशा सपोर्ट करती है और उनको हमेशा से यही कहती है कि आप बस अपना जो लक्ष्य है, अपना जो ध्येय है उस पर ध्यान दे और बाकी किसी भी बारे में नहीं सोचे, क्योंकि आप सभी को यहाँ पर खुश नहीं कर पाएंगी। तो दोस्तों इसबेल कैफ को बहुत ही अच्छी सीख दी है कटरीना कैफ ने। आपने अगर फिल्म नहीं देखी है इसबेल कैफ की तो जाइए देखिए और बताइए कि आपको इसबेल कैफ कितनी पसंद आई टाइम टू डांस इस फिल्म में। इज शुल्का चौहान साइनिंग ऑफ। एक जोमेटो वाला जो न्यूज आ रहा है कितना सच्चाई है उसमें? हाँ, मुझे तो लगा था वो बंदा जोमेटो वाला है जिसको मैंने ऐसे कंधे पे जिसको हाथ रखा ना रेड टी शर्ट में, तो मुझे लगा
जोमेटो वाला है उसके साथ बहुत अन्याय हुआ है। आई एम वेरी सैड दोस्तों, जोमेटो वाले या ये स्विगी वाले आपके घर में आपकी पेट की आग बुझाने आते हैं। रिस्पेक्ट देम, उनको प्यार करो। वो ऐसे कोरोना के टाइम पे सब लोग जॉब करते हैं, उनको रिस्पेक्ट दो। मैं ये तो नहीं बोलती आप घर में बुला के पानी पिलाओ या खाना खिलाओ, जब वो आते तो उनको एक गिलास पानी पिलाओ। मैं पिलाती हूँ, ये लोग कभी भी आते हैं तो भाई मैं आपको जो है जोमेटो वाले समझी, हाँ वो मसाज वाला पर वो जोमेटो वाला मैं इसे समझी। बट रिस्पेक्ट ईच एंड एवरी पर्सन, यू नेवर नो जोमेटो वाला बंदा कब प्राइम मिनिस्टर बन जाए, यू नेवर नो कब कौन कहाँ। हर किसी को रिस्पेक्ट करो, बिकॉज हम किसी को कुछ नहीं दे सकते लेकिन प्यार तो दे ही सकते हैं। फ्री में आता है प्यार यार, प्यार का टैक्स थोड़ी ना लगता है। स्प्रेड लव, थैंक यू, ओके बाय एवरीवन, कल मिलते हैं, हाँ बाय बिग बॉस, मैं घर जा रही हूँ बिग बॉस, आई मिस यू बिग बॉस। सदा छोड़ नहीं रहे। अक्षय कुमार की अपकमिंग फिल्म राम सेतु का आज किया गया है मुहूर्त। चलिए बताते हैं आपको खबर डिटेल में, पर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। नमस्ते दोस्तों, मैं शुल्का चौहान और आप सभी का स्वागत करती हूँ मूवीज अड्डा में। दोस्तों आपको बता दूं कि फिल्म राम सेतु का शुभारंभ यानी आज मुहूर्त किया गया है। और जैसे कि हम सभी जानते हैं कि पहले भी खबरें आ रही थी कि फिल्म का जो मुहूर्त है वो अयोध्या से पहला शॉट जो है वो शुरू हो जाएगा, और ये हो गया है। और ट्विटर पर खुद खिलाड़ी कुमार अक्षय कुमार ने ये बात को साझा करते हुए फोटोज के साथ ये लिखा है कि आज श्री अयोध्या जी में श्री राम जी का राम सेतु का शुभारंभ हुआ है और श्री राम जी का आशीर्वाद जो है वो हम सभी को प्राप्त हुआ है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि उन्होंने आगे ये भी लिखा है जय श्री राम। फाइनली ये जो फिल्म है ये पूरी तरीके से भगवान राम पर बेस्ड है, बट एक छोटे से ट्विस्ट के साथ। आखिरकार ट्विस्ट क्या होने वाला है ये तो हमें तभी पता चलेगा जब राम सेतु ये फिल्म हम सभी के सामने आएगी। राम सेतु इस फिल्म में नुसरत भरूचा और जैकलिन फर्नांडिस दोनों भी दिखने वाली है हमें अक्षय कुमार के साथ। आप कितने एक्साइटेड है इस फिल्म के लिए और आपको इन मुहूर्त फोटोज पर क्या कुछ कहना है बताना ना भूले इन द कमेंट्स बिलो। दिस इज शुल्का चौहान साइनिंग ऑफ। बंटी और बबली 2 का ट्रेलर लॉन्च करेंगे भाईजान सलमान खान। चलिए बताते हैं आपको कि कौन सी डेट पर ये लॉन्च होने वाला है, पर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। नमस्ते दोस्तों, मैं शुल्का चौहान और आप सभी का स्वागत करती हूँ मूवीज अड्डा में। दोस्तों आपको बता दूं कि बंटी और बबली ये फिल्म बड़ी ही हिट रही है और अब बंटी और बबली 2 में हमें देखने मिलने वाले हैं सिद्धांत चतुर्वेदी, शर्वरी वाघ, रानी मुखर्जी और सैफ अली खान। इन दोनों का जो कपल है वो बड़ा ही आइकॉनिक रहा है और ये कपल वापसी कर रहा है। आपको बता दूं कि इस फिल्म का यानी बंटी और बबली 2 का ट्रेलर जो है वो 23 मार्च को लॉन्च होने वाला है और प्रोड्यूसर आदित्य चोपड़ा ने पहले तो ये डिसाइड किया था कि एक प्रॉपर इवेंट होगा, पर अब जैसे हम सभी जानते हैं कि कोविड गाइडलाइंस में वापस से बदलाव आया है और कोविड के केसेस भी बढ़ रहे हैं, तो इसलिए इस फिल्म का ट्रेलर जो है वो डिजिटली लॉन्च होगा। और डिजिटल लॉन्च के दौरान भाईजान सलमान खान जो है वो इस ट्रेलर को लॉन्च करेंगे और ये डिसाइड किया है आदित्य चोपड़ा ने। अब इस बात की अब तक तो कोई पुष्टि नहीं है, पर अगर इस फिल्म का ट्रेलर लॉन्च करेंगे सलमान खान तो डेफिनेटली ये फिल्म हिट तो रहेगी ही। आपको क्या कहना है बंटी और बबली 2 के बारे में ज़रूर बताइए इन द कमेंट्स बिलो। उसी के साथ साथ बंटी और बबली जो पहली फिल्म थी उसके बारे में आपको क्या पसंद है वो भी बताना ना भूले। दिस इज शुल्का चौहान साइनिंग ऑफ।